Hello students, welcome back in the NCERT Exemplar Detail Solution web series. तो बच्चों, हमने जैसे कहा था कि हम NCERT Exemplar को डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो अब हम उस सिलसिले की तरफ बढ़ चुके हैं. बच्चों, आप लोग तो मुझे पहचानते हो, myself डॉक्टर रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटे शिरसाट्स अकेडमी लातूर. तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं बेटा, आज का चैप्टर आपको समझ ही आ चुका होगा अभी तक कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. बच्चों, अब हमने ये सोचा है बेटा, हमारी एकेडमी ने ये सोचा है कि बच्चों के हित के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तो सॉल्यूशंस हम दे ही रहे हैं, अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की और प्रैक्टिस बढ़े. तो इसी संदर्भ में हमने एक न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की है बेटा, जिसका नाम है एकलव्य. एकलव्य का मतलब यही है बेटा, कहानी तो सबने सुनी कि एकलव्य को कोई गुरु ने था, उसने अपनी शिक्षा गुरु के बिना ही पूरी की थी. तो हम भी चाहते हैं कि आप घर बैठे अपनी शिक्षा पूरी कीजिए, आप एनसीईआरटी के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हमारे वीडियोस देख के एनसीईआरटी को परफेक्ट कीजिए, और साथ ही साथ नीट की टेस्ट सीरीज की भी तैयार कीजिए. अगर आपको नंबर एमबीबीएस में लगाना है, अगर आपको नीट में मन चाहे मार्क्स चाहिए, अपना मन चाहे एमबीबीएस कॉलेज चाहिए, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं है, ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली ऑनलाइन मोड है, मतलब आप दुनिया में कहीं पर भी हो तो आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो. इसमें हम वीकली एग्जाम्स लेने वाले हैं और इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इसमें क्वेश्चन फ्रेम करने वाली है, ठीक है. और बेटा ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. बाकी डिटेल्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एडमिशन फॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा. आपको बस एक फॉर्म भरना है, फिर हमारे ऑफिस से आपको एक कॉन्टैक्ट किया जाएगा जिसके थ्रू आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा बेटा. और चलिए अब एकलव्य टेस्ट सीरीज के बारे में और कुछ डिटेलिंग्स मैं आपको बता देता हूं. ऑल इंडिया फ्री नीट टेस्ट सीरीज, सही सुना बच्चों आपने, जिसका नाम मैंने रखा है एकलव्य. एकलव्य की कहानी तो आप सब लोग जानते हैं, एकलव्य को कोई गुरु ने था, तो आपको भी कोई गुरु नहीं है. आपको हम लोग एक नीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले, विच इज एट द ऑल इंडिया लेवल, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, होल सिलेबस वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होंगे ऑन द वीकली बेसिस. मतलब हर संडे को हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे 720 मार्क्स की. एग्जाम कंपलसरी ऑनलाइन मोड पे रहेंगी थ्रू आर मोबाइल ऐप, जिसके डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और इस टेस्ट सीरीज में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप बस फॉर्म भर दीजिए, हमारे जो हेल्प डेस्क से आपको कॉन्टैक्ट नंबर से आपको कॉल आ जाएगा, और कॉल में आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट सीरीज में क्या क्या रहेगा. फिर भी मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं बेटा, टेस्ट सीरीज नीट के ऊपर है, स्ट्रिक्टली ऑन द नीट करिकुलम, ये आपको ध्यान देना है बच्चों, दैट इज स्ट्रिक्टली ऑन द नीट करिकुलम, ठीक है. क्वेश्चन पेपर्स आर फ्रेम बाय इंडियाज टॉप मोस्ट फैकल्टीज, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट फैकल्टीज है उससे हम लोग क्वेश्चन पेपर फ्रेम कराएंगे और वो सारे क्वेश्चंस आपको ला कर देंगे. एग्जाम हर संडे होंगी, ऑन एवरी संडे वी आर गोइंग टू टेक दिस एग्जाम बच्चों, ऑन एवरी संडे, ठीक है. और एग्जाम कंपलसरी ऑनलाइन मोड में रहेंगी, तो आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपको अपने घर बैठे ही आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ही एग्जाम देनी है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, एग्जाम तो हर कोई ले लेता है, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर के डाउट सेशन थ्रू आर ऐप, उसमें एक चैट सेक्शन फीचर है बेटा, ठीक है, जिससे आप लोग 24 घंटे 24/7 हमसे डाउट सेशन कर सकते थ्रू दैट चैट फीचर. मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे क्यों आया, इसका वैसे क्यों हुआ, आपको घर बैठे ही बस अपने चैट बॉक्स के थ्रू हमको वो क्वेश्चन डाल देना है, हमको वो क्वेश्चन पूछ लेना है, उसका जवाब आपको तुरंत ही मिल जाएगा बच्चों. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी टेस्ट सीरीज का. और दूसरा, ऑल इंडिया लेवल की है तो ऑल इंडिया रैंकिंग प्रेडिक्टर भी रहेगा, कि मतलब जैसे कि ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं इसके अंदर, तो उसमें आपको अपनी रैंक पता चलेगी. और बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो घर बैठे आपको एक अच्छी सुविधा मिल रही है जिसकी मदद से आप अपनी नीट क्रैक कर सको बेटा, ठीक है. एंड बीच बीच में हम लोग आपको गाइडेंस, टिप्स एंड ट्रिक्स, कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किसको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारे वैल्यूएबल टिप्स हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करते रहेंगे. तो बेटा जल्दी जल्दी एनरोल
एनरोल कीजिए एकलव्य नीट टेस्ट सीरीज में, राइट। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लिंक देख लेना और उसका फॉर्म फिलअप कर देना बेटा। चलिए तो एक और जनहित में जारी बेटा कि भैया एनसीईआरटी वेब सीरीज तो हमने चालू ही की है और उसी साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम्स भी हम लोग ले रहे ऑन एवरी संडे। एग्जाम का सिलेबस आपको मंडे या ट्यूसडे को ही पता चल जाएगा कि अगले संडे आपको क्या एग्जाम देना है, ताकि आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सके और उसको एग्जाम में अच्छे से अपीयर हो सके। एंड द हाइलाइटेड फीचर इज द डाउट सेशन बच्चों। हाइलाइटेड फीचर क्या है बेटा? डाउट सेशन, जो किसी भी टेस्ट सीरीज में जनरली नहीं होता है बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर हमने डिसाइड किया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना मत भूलिए ना, ओके। चलिए बच्चों आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे आज के, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें से हमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुल मिला के 10 प्रश्न हैं और ये 10 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान काम है, आप तो जानते ही हम लोग कैसे काम करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है बच्चों। चलिए तो एक एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट आ गया तो फिर से मैंने कहा था बॉक्स बना देना है, करेक्ट इनकरेक्ट नॉट ट्रू फॉल्स सब। नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टिनल विलाय, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज इंटेस्टिनल विलाय के फेवर में नहीं है, तो पहले चारों ऑप्शन हम फटाफट पढ़ लेंगे। द ऑप्शन ए इज दे पोजेसेस माइक्रोविलाय, ऑप्शन बी इज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऑप्शन सी इज दे आर सप्लाइड विद द कैपिलरीज एंड द लैक्टियल्स एंड दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। वैसे मैं बता दूं इसका आंसर डी है, राइट, क्योंकि इंटेस्टिनल विलाय और उसके ऊपर माइक्रोविलाय होते ही है, सरफेस एरिया बनता है। मैं आपको डायग्रामेटिक बताऊंगा, क्योंकि हमने जैसे ठान लिया है बेटा कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जाके देखेंगे, तो ये हमारा डिटेल वर्जन है। मान लेते फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इंटेस्टिनल विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है बेटा, दिस इज वॉट योर इंटेस्टिनल विलाय। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। अब सर ये विलाय के ऊपर सेल्स बैठते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, मैं आपको इंटेस्टिनल विलाय पढ़ाने जा रहा हूं, ये विलाय के ऊपर सेल्स रखे जाते हैं एंड दिस सेल्स आर नथिंग बट सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये क्या है बेटा? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। वैसे आपके स्टमक में और आपके इंटेस्टाइन में एक ही प्रकार का एपिथेलियम होता है, जो मैंने लिखा है दैट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। नाउ अब ये जो है बेटा ये जो कॉलमनार सेल्स है उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाय रखे जाते हैं, माइक्रोविलाय रखे जाते हैं। नाउ माइक्रोविलाय इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस कॉलमनार सेल्स, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। तो पहले विलाय और विलाय के ऊपर हमने क्या रखा है बच्चों? माइक्रोविलाय। कभी भी आप माइक्रोविलाय सुनोगे बच्चों, याद रखना माइक्रोविलाय वर्ड आते ही आपको याद रखना है दे इंक्रीजेस, मतलब उसका फंक्शन ही होता है फिर वो बॉडी का कोई भी हिस्सा रहने दो, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। हमेशा वो एब्जॉर्प्शन के लिए काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाएगा ताकि मैक्सिमम चीजें हम लोग एब्जॉर्ब कर सके। और वैसे भी सर स्मॉल इंटेस्टाइन फेमस है फॉर द लार्ज एब्जॉर्प्शन, जितना भी हम खाते हैं बेटा मैक्सिमम, मतलब आप 90% बोल सकते हो कि 90% एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें ये हमारी मदद करने वाला है, ठीक है। अब सर ये एब्जॉर्प्शन करके चीजें जाती कहां है ये भी देखना है हमको। अब सबसे पहले सर मान लेते हैं कि यहां पे फूड पार्टिकल्स है, जो भी आपने खाया वो यहां पे डाइजेस्टेड फॉर्म में, सो दिस इज डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स को आपको यहां से ये सारे सेल, मतलब ये जो कॉलमनार सेल से क्रॉस करके इसके अंदर डालना है। सर अंदर क्यों डालना है? क्योंकि अंदर है ब्लड वेसल लाइक दिस, विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स होती है लाइक ब्लड कैपिलरीज हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज होती है बच्चों, दैट इज लैक्टियल्स,
ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर की चीज मैंने बनाई है इसको बोलते हैं लैक्टियल्स. लैक्टियल्स आर नथिंग बट लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो एक ब्लड कैपिलरी है और एक क्या है बेटा, लिम्फ कैपिलरी. लिम्फ कैपिलरी में मैं बता दूं फैट्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है. फैट्स तो सर इसमें फैट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब फैट्स और फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट वो लिम्फेटिक कैपिलरी में जाएंगे. भाई साहब आप कहां जा रहे हो, आप इधर रुक जाइए, आप इधर उधर ना जाइए. ठीक है, अब सर मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जो भी प्रोडक्ट डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो ये सेल्स को क्रॉस करेंगे और जाएंगे अपने इसके अंदर. ये देख रहे ब्लड कैपिलरीज एंड सम विल गो इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज. मतलब सर ब्लड कैपिलरीज में फैट्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें जाएंगी और लिम्फेटिक कैपिलरीज में फैट और फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट जाएंगे. लेकिन जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के वो लिम्फ कैपिलरी में अब्सॉर्ब होते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है. मतलब फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट जाएंगे लिम्फेटिक कैपिलरी में और वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट जाएंगे ब्लड कैपिलरी में. तो इतना समझ में आ गया बेटा आपको. तो ये जो इंटेस्टिनल विलाय हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये विलाय बेसिकली किसके लिए बना है, एब्जॉर्प्शन, नॉट फॉर द डाइजेशन. किसके लिए बना है बेटा, एब्जॉर्प्शन. अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस. अपने क्वेश्चन में क्या लिखा है, अपने को ढूंढना था बच्चों कि विच इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो जैसे कि ये वाला ऑप्शन है कि दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो गलत है. डाइजेशन में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है सर, एब्जॉर्प्शन में. तो ये वाला आंसर सही था और बाकी सब करेक्ट है. देखो मतलब स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है इंटेस्टिनल विलाय में, लेकिन अपने को नॉट ट्रू ढूंढना था, बाकी सब ट्रू है. दे पोजेसेस माइक्रोविलाय अभी मैंने बताया, माइक्रोविलाय इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ये भी बताया, एंड दे आर सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स. लैक्टियल्स बोलते लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये भी हमने अभी अभी देखा. तो बेटा यहां तक समझ में आ गया. तो अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इंटेस्टिनल विलाय का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया बच्चों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन्स इनटू डियोडिनम, ठीक है, एंड कैरीज, ठीक है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन हो गया कि हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. देखो हिपैटो मींस लीवर और पैनक्रियास तो आप जानती है, तो दोनों को मिला के एक डक्ट बनती है, लीवर की और पैनक्रियास की मिला के एक डक्ट मिलती है. अब ये डक्ट क्या कैरी कर रही है, तो दोनों का जूस ही कैरी करेंगी, तो आंसर विल बी थर्ड, बोथ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस. बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, तो दोनों ही कैरी होंगे, ये आंसर हो गया. स्टिल हम लोग अब डायग्रामेटिकली जाएंगे बच्चों. मान लेते हैं कि यहां पे आपका ऐसा लीवर है, ये बहुत डिटेल कंसेप्ट है एक्चुअली, और लीवर के नीचे ऐसा मान लेते हैं कि एक छोटी सी थैली है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर. क्या बोलते हैं बेटा, गॉल ब्लैडर. तो मैं अभी आपको बिलियरी सिस्टम बता रहा हूं बच्चों, पूरा डक सिस्टम कि जूसेस कैसे ट्रैवल करते हैं. ठीक है, अब सर यहां से एक डक निकलती है गॉल ब्लैडर से, पहले तो क्या होता है लीवर में जो भी जूस बनता है वो डक्ट्स के थ्रू आता है और गॉल ब्लैडर में जाता है ऐसे. तो लीवर में जो जूस बनता है वो हिपैटिक डक्ट कैरी करते हैं. कौन सी डक्ट कैरी करते हैं बेटा, हिपैटिक डक्ट. अब गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है और नीचे की तरफ जाती है टुवर्ड्स द डियोडिनम. अब ये डायग्राम में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, थोड़े अलग अलग कलर इस्तेमाल करते हैं. यहां पे हम बना लेते हैं कि ऐसा आपका डियोडिनम है बच्चों, यहां से ऊपर से स्टमक आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द डियोडिनम. अब डियोडिनम को क्या रहता है, सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि स्टमक के अंदर से एसिड आता है. अब सर हम लोग बनाएंगे पैनक्रियास, ये रहा तुम्हारा पैनक्रियास. अब सर ये जो पैनक्रियास है ये बनाता है पैनक्रियाटिक जूस और लीवर बनाता है बाइल जूस, दोनों अल्कलाइन नेचर के और दोनों भी हमारे लिए फायदेमंद है बच्चों. ठीक है, दोनों भी हमारे लिए क्या है, फायदेमंद. अब सर पैनक्रिया से जो जूस है वो लेकर निकलेंगी पैनक्रियाटिक डक्ट, दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट पीडी. ठीक है, और गॉल ब्लैडर से जो जूस लेके निकली है उसे हम लोग बोलते हैं सीबीडी. सीबीडी बोले तो कॉमन बाइल डक्ट
कॉमन बाइल डक्ट और पीडी बोले तो पैनक्रेटिक डक्ट। अब ये दोनों भी पाइपलाइंस को डियोडिनम में आके ओपन होना है, लेकिन ये दोनों पाइपलाइंस अलग अलग ओपन होने के बजाय साथ में ओपन होंगे, ठीक है? तो ये दोनों पाइपलाइंस यहां पे ज्वाइन होने वाले बच्चों, लाइक दिस। ये दोनों पाइपलाइंस पहले ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन होके एक सिंगल पाइप बनाएंगे, ऐसी एक सिंगल पाइप बनाएंगे और ये जाके ओपन हो जाएंगे डियोडिनम में। तो सर यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों, ठीक। तो अब क्या हुआ, पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होके बन गई सर हमारी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये डक्ट में दोनों भी जूसेस है, यहां से बाइल जूस आ रहा है और यहां से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, दोनों भी जूस है इसमें जाके ओपन होंगे। बाइल जूस बेटा फैट्स के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, याद रखना। बाइल जूस दे डोंट हैव एंजाइम्स, नो एंजाइम्स, बट दे हैव बाइल सॉल्ट्स, और ये जो सॉल्ट होते बाइल सॉल्ट्स नमक, ये आपके फैट के डाइजेशन में मदद करते, बिना बाइल सॉल्ट के फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता है। पैनक्रियाटिक डक में पैनक्रियाटिक जूस है और इसमें ढेर सारे एंजाइम होते हैं, उसमें बिल्कुल एंजाइम नहीं है, और इसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और सर ये एंजाइम्स प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कर सकते हैं, फैट्स को कर सकते हैं, मतलब सारे ही एंजाइम्स इनके पास रहेंगे। तो एक शॉर्टकट में मैंने आपको थोड़ा सा बिलियरी सिस्टम यहाँ पे बता दिया बेटा। तो ये रही हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इसकी ओपनिंग को सर, इसकी जो ओपनिंग होती है इसके ऊपर हम लोग स्फिंक्टर लगाते हैं, स्फिंक्टर, ताकि जूसेस को कंट्रोल कर सके। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, सॉरी स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, बॉयडन दूसरा रहता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई भी ऐसा बोलते हैं, कि हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक स्फिंक्टर लगाए ताकि उसकी ओपनिंग को हम कंट्रोल कर सके। और एक स्फिंक्टर हम लोग कॉमन बाइल डक्ट पे लगाते हैं यहां पे, तो कॉमन बाइल डक्ट पे जो स्फिंक्टर होता है दैट इज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो दो स्फिंक्टर के नाम याद रखने, भले भी क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन आगे आ सकता है। कॉमन बाइल डक्ट पे है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट पे स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, ठीक है? अब ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, द नेम इज एम्प्यूला ऑफ वेटर। मैं सारे पॉइंट्स इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आज एमसीक्यू में भले ये नहीं पूछा लेकिन कल पूछ सकते। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ वेटर व्हिच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। कॉमन बाइल डक्ट इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। पैनक्रियाटिक डक्ट पे कोई भी स्फिंक्टर नहीं है, पैनक्रियाटिक डक्ट पे कोई भी स्फिंक्टर नहीं है। तो ये बन गया आपका लीवर और पैनक्रियास की कहानी। समझ में आया बच्चों? एकदम आसान है, ठीक है? तो यहां पर आंसर आ गया था सर हमारा क्लियर कट, दैट इज बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते। बढ़िया बच्चों, ऐसी साथ में बने रहिए। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर, अगेन नॉट, इसको हाईलाइट करना है, कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इन चारों में कौन सा बीमारी डाइजेस्ट सिस्टम को बिलोंग नहीं करता है बच्चों? तो भैया आंसर पहला ही है टिटैनस, बाकी डायरिया, जॉइंटिस, डिसेंट्री, ये तीनों भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। डायरिया बोले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, लूज मोशन। जॉइंटिस जिसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है, जॉइंटिस क्या होता है, जिसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती, बिलीरुबिन परसेंटेज इंक्रीजेस, ठीक है? और डिसेंट्री मतलब ब्लड डिसेंट्री बोले तो ब्लड इन स्टूल्स,
मतलब आपका जो फीकल मैटर है उसमें से खून निकलना, उसको बोलते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको दिया हुआ है, तब हो जाएगा। अब ये टिटैनस क्या है बच्चों? तो बच्चों टिटैनस ये है सर कि एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, दिस इज बैक्टीरियल इंफेक्शन, और बैक्टीरिया का नाम होता है बच्चों क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनियम। और मैं आपको याद दिला दूं, ये वाला जो इन्फेक्शन है ये आपको जब इंजरी हो जाती कट, जैसे लोहे से कट जाता है तो अपन बोलते हैं ना टीटी का इंजेक्शन लो, तो ये टीटी का इंजेक्शन इसी बीमारी के लिए जाता है, टिटैनस के लिए लिया जाता है बच्चों। तो बेटा टिटैनस इज नॉट अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, टिटैनस एक जनरल कट इंजुरी होती है जिसमें बैक्टीरिया घुस के इन्फेक्शन करता है, और ये बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है, इसलिए तुरंत ही हमको कहा जाता है कि टीटी का इंजेक्शन लीजिए। टीटी का इंजेक्शन भी एक तरह से वैक्सीनेशन का काम करता है कि जैसे ही बैक्टीरिया अंदर गए, एक्चुअली ये बैक्टीरिया मेंटल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है आगे चल के फ्यूचर में, इसे तुरंत ही इंजेक्शन लगाना जरूरी है। बच्चों मैं आपको बता दूं टीटी का इंजेक्शन हर 3-3 महीने में लेना चाहिए, भले इंजरी हो ना हो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि आपने आखिरी बार टीटी का इंजेक्शन कब लिया था। लेकिन याद रखिए जब भी आपको कोई भी कट इंजरी होती, भले लोहे से कटा हो ना हो, जब भी कट हो जाता है तो बैक्टीरिया अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनियम। इसके लिए आपको टीटी का इंजेक्शन लेते रहना जरूरी है बच्चों। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। अ ग्लैंड नॉट, इसमें नॉट वाले बड़े क्वेश्चन है, तो मैं जब भी देखो हमेशा हाईलाइट करता हूं या बॉक्स बना देता हूं, आप भी वही तरीका अपनाएं। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, तो कौन सा ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं है? पैनक्रियाज है सर, डाइजेशन में मदद करता है। एड्रिनल ग्लैंड नहीं है सर, एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन्स बनाता है, और ये आपके किडनी के ऊपर होता है, अबव द किडनी। तो इसका रोल जो है इसके हार्मोन्स के हिसाब से चलता है। अब इनमें हार्मोन्स कौन से आते हैं, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड, उसका कट सेक्शन हमारे सिलेबस में पूरी तरीके से। थोड़ा सा बता दे तो एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड विद मिनरल्स, ग्लूकोज, सेक्स हार्मोन्स, इससे रिलेटेशन उसका आएगा बेटा, ठीक है? तो अबव द किडनी मिलेगा। लीवर, लीवर का तो बहुत रोल है डाइजेशन में, और सलाइवरी ग्लैंड का भी है। तो पैनक्रियास, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, मतलब ये तो पक्के है कि जो डाइजेशन में रहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के साथ चिपके हुए रहेंगे और डाइजेशन में आपकी मदद करने वाले हैं बच्चों, ठीक है? तो ये हो गए सर, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट, बड़ा आसान था सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैच द कॉलम, बायोलॉजी का अगेन एक फेवरेट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। तो दोनों कॉलम को मैच करना है, अपन डायरेक्ट मैच करते जाते हैं, एक दूसरे पेज पे जा रहा है शायद से। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, सबसे पहले बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते तो लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या क्या आ जाता है, लाइक योर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें चार मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या करना है सर इसका, वो तो बेटा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इसको डायरेक्ट मैं मैच कर रहा हूं बच्चों, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, अब ये एक ये पेज पे, एक ये वो पेज पे गया है, तो यहां पर देखते हैं सर, कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस आना चाहिए, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल है तो उसको माइक्रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसका डाइजेशन करना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और मेरे पास ये चार ऑप्शन है नीचे। तो कभी भी अपने को अगर मैच द कॉलम सॉल्व करना है तो पहले पहला ऑप्शन मैच करके देखना जरूरी है, और मेरा ए इज इक्वल टू 4 मैच हो गया है, और बाकी इसमें ए इज इक्वल टू 4 कहीं नहीं है, मतलब अल्टीमेटली मेरा आंसर बी आ चुका है, मतलब पहला ही एक स्टेटमेंट मैच करके मेरा आंसर पूरा निकल चुका है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में अगर ए इज इक्वल टू 4 होता तो मुझे और पढ़ना पड़ता, लेकिन मैं जरूर पढ़ूंगा आगे चल के। चलिए अब बाकी की भी मैच कर लेते सर, ए इज इक्वल टू 4 हो गया। सेकेंड क्या था हमारे पास सर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये रहेगा एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, दैट इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बी इज इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी, तो बी इज इक्वल टू 1 यहां पे दिया है। अब देखो सी इज इक्वल टू 5 आता है, स्टमक इज अ जे शेप, स्टमक इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। डी इज इक्वल टू 2 थीकोडंट, थीकोडंट बोले तो परमानेंट टीथ होते, मतलब अभी के दांत, एक होते दूध के दांत, दूध के दांत गम्स में होते हैं, वो गिरने के बाद जो दांत आते हैं वो होते हैं हड्डी में अटैच होते हैं, जॉ बोन्स में, ठीक है? तो थीकोडंट अभी तुम्हारे और मेरे डेंटल फॉर्मूले में आएंगे, तो एम्बेडेड इन द जॉ बोन्स,
बराबर हड्डी के अंदर अटैच रहेंगे सर, ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। एंड द लास्ट वन इज सीरोजा, सीरोजा आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स लिख सकते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का अगर कट सेक्शन लेते तो उसमें चार लेयर आते और उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर रहती दैट इज अ सीरोजा, फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोजा लेयर और सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोजा लेयर। तो ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया, ये उसका आंसर आने वाला है बेटा बी, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये भी मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में तुरंत फटाफट मैचिंग करते रहना चाहिए, पहला मैच करके देखना चाहिए सर। सो डियोडिनम, यहां देखो किसके साथ मैच हो रहा है, तो डियोडिनम यू शेप है सर, तो ये मैचिंग हो गई सर। यू शेप स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक, डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक से कनेक्टेड रहता है और यू शेप या सी शेप भी बोलते हैं इसे। एपिग्लॉटिस, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, और ये फ्लैप जनरली क्या करता है बेटा, ये आपके लैरिंग्स पे होता है। दिस कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, पानी का एक बूंद और खाने का एक मतलब कन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा सकता जब तक एपिग्लॉटिस काम कर रहा है, और अगर चला गया तो सर तो ठसका लगेगा, कफिंग रिफ्लेक्स। जब भी अपन जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो कभी कभी ये फ्लैप अच्छे से बंद नहीं होता है और अचानक से सब कुछ बाहर आ जाता है, ठसका लगता है जोर से, कफिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो कफिंग रिफ्लेक्स जब जब आपको अंदर ठसका जब जब लगेगा तो एपिग्लॉटिस ढंग से काम नहीं किया, एपिग्लॉटिस ढंग से काम नहीं किया, ये आपको याद रखना है बच्चों। नाउ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस तो ओपनिंग है बेटा विंड पाइप की, मतलब ग्लॉटिस ओपनिंग है और उस ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब ढक्कन लगाया था, दैट इज अ एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। और बच्चा सीकम, यहां कहां दिखने जाएगा, सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, किसका हिस्सा है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का, और वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा सीकम होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक बोलते हैं उसको, छोटी सी थैली है, और इस थैली में क्या होता है पता है आपको, सीकम के अंदर होता है बैक्टीरिया इकोलाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग लिखते हैं। तो ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कर क्या रहा है बेटा, ये कर रहा है आपको जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थे, जो भी आपको पचता नहीं, देखो अपन खाना खाते जो पचता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो नहीं पचता है मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है सीकम, सीकम के अंदर होता है बैक्टीरिया इकोलाई, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया आपके इस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को फीकल मैटर में कन्वर्ट करके देता है ताकि हम इसे आसानी से एक्सपेल आउट कर सके बच्चों, ठीक है। तो यहां पर पूरा मामला सेट हो गया, A is equal to कहां गया 3, तो A is equal to 3, A की ऑप्शन था अपने पास तो बैठ गया, फिर B is equal to 1, C is equal to 4th and D is equal to 2, सबके सब परफेक्टली मैच हो गए। तो मैच द कॉलम में हमेशा पहला मैच करके देखना, वो बैठ गया और चारों ऑप्शन में वही एक बैठ रहा है, तो आगे का तो मैं बोलूंगा बेटा पढ़ना भी मत, सीधा टिक कर लेना क्योंकि दूसरा कोई आंसर आने वाला नहीं है बेटा, क्योंकि यही होता है अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ती है एमसीक्यू सॉल्व करते समय। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 20 या 25 सेकंड लगने चाहिए, पूरा 1 मिनट नहीं लेना बेटा। बायोलॉजी का पेपर अगर आपको 90 मिनट्स मिले हैं, मिलते ही है 90 मिनट्स नीट एग्जाम में, तो आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है, बहुत हो गया तो 50, क्योंकि बाकी के जो 40 मिनट बचेंगे वो हमको फिजिक्स केमिस्ट्री को देने पड़ते हैं बेटा, तभी जाके उनका पेपर सॉल्व होता है, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व नहीं होता है। तो मतलब बायोलॉजी से आपको टाइम वहां पे निकाल के देना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन भी सक्सेसफुली सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज मैच द कॉलम, बहुत सारे मैच द कॉलम है यहां पे, और ये एंजाइम्स को लेकर है बेटा, ऑब्वियसली होगा डाइजेशन चैप्टर है, तो डाइजेशन दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन जैसे आप जो दांतों से चबाते हो, दैट इज अ मैकेनिकल, लेकिन एंजाइमेटिक जो एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। तो वेरियस एंजाइम्स आर देयर, लाइपेज वर्ड है मतलब फैट्स, ठीक है, तो यहां पर फैट्स कहां है, इज इक्वल टू 2। न्यूक्लियस वर्ड है मतलब न्यूक्लिक एसिड्स उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो बी इज इक्वल टू 3। कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज, यहां कंफ्यूज हो जाते बच्चे, कार्बोहाइड्रेट पकड़ लेते लेकिन आगे पेप्टिडेज था, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये इधर आएगा, प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटीएस। एंड ग्लाइकोरिडेज, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये पक्का इधर गया बेटा, ठीक है। अब कौन सा मैच कर रहा है, देखो ए इज इक्वल टू 2, अब ए इज इक्वल टू 2 के दो थे तो अब दोनों में टाई चलेगा, बी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3 इधर भी है, सी इस पे डिसाइड होगा, C इज इक्वल टू 4, तो इधर 4th आया लेकिन इधर 1 था, तो आंसर विल बी दिस,
ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू वन. बहुत आसान था. एंजाइम के नाम से ही पता चल जाता है कि कौन से सब्सट्रेट पे ये एक्शन लेने वाला था. तो उसके सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चे, कार्बोक्सी लगता है कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आगे पेप्टिडेज है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो वो प्रोटीन्स में आते हैं बच्चों. क्लियर? तो ये हो गया सेवेंथ क्वेश्चन आपका सक्सेसफुली. ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, अपना जो डेंटल फॉर्मूला यही है 2 1 2 3. समझा जरूर दूंगा. डेंटल फॉर्मूला पढ़ना बहुत आसान चीज है. आपके दांतों को इमेजिन करो और दांतों को दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और उसमें भी अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अब जैसे कि मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं बच्चों, डेंटल फॉर्मूला अब छोटे बच्चों का अलग रहता है. ठीक है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन इसमें जो डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला जनरली कैसे लिखते हैं, ये ऐसे एक लाइन बना देते हैं. लाइन के ऊपर जो भी लिखेंगे वो अपर जॉ के दांत रहेंगे और लाइन के नीचे जो भी रहेंगे लोअर जॉ. तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपर जॉ लोअर जॉ, बीच में से दीवार बना दी, राइट साइड लेफ्ट साइड. आप भी जानते हैं जो दांत ऊपर रहेंगे वही दांत नीचे रहेंगे, जो दांत राइट साइड में रहेंगे सेम टू सेम वो दांत भी लेफ्ट साइड में रहेंगे, मतलब मिरर इमेज होता है. ठीक है, तो बेटा अब यहां पे फॉर्मूले की सीक्वेंस होती है, एक आई सी पी एम एम, ये चार टाइप के दांत रहते हैं. वी हैव अ हेटरोडंट टाइप ऑफ डेंटिशन, वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. चार प्रकार के दांत होते हैं. सामने के दांत होते हैं इंसाइजर्स, क्या बोलते हैं, इंसाइजर आय. उसके बाजू के जो पॉइंटेड दांत होते हैं, पॉइंटेड ड्रैकुला की तरह, वो होते हैं कैनाइंस सी. उसके पीछे दांत होते हैं प्रीमोलार, और सबसे आखिरी के दांत होते हैं मोलार्स. तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार. सामने के दांत इंसाइजर, पॉइंटेड टीथ कैनाइन, उसके पीछे प्रीमोलार और सबसे पीछे मोलार्स. अब सर छोटे बच्चों में डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 0 2, और सेम जैसे ऊपर रहेगा वैसे ही नीचे रहेगा. अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो, क्योंकि ये आधे साइड का था, अपर जॉ लोअर जॉ. देखो ऊपर 5 दांत है, नीचे 5 दांत है, और टोटल मिला के कितने दांत हो जाएंगे, 20. कैसे क्या सर, 5 और 5 10 5 और 5 10, टोटल कितने हो गए बेटा, 20. याद रखना जहां पे 0 लिखा है इसका मतलब छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं थे, प्रीमोलार. लेकिन जैसे ही बड़े हो गए, मतलब ये दूध के दांत का है छोटे बच्चे बोले तो, अडल्ट बोले तो परमानेंट सेट, मतलब आप इसमें लिखे डेसीडुअस टीथ, डेसीडुअस बोले तो दूध के दांत, टेम्पररी मिल्क, और अडल्ट बोलने से अच्छा अपन बोलेंगे परमानेंट, मतलब दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत आते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3. तो ये आई सी पी एम एम. अब देखो बच्चे कौन से दांत नए आए, बचपन में आपको प्रीमोलार्स नहीं थे, यहां दो दो प्रीमोलार आ गए, और मोलार आपके पास 2 और 2 थे या 3 और 3 हो गए. तीसरा मोलार बोले तो थर्ड मोलार बोलता अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ बोले तो 18 साल की उम्र के बाद आना शुरू होती है और 30 साल की उम्र तक आ सकती है. अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो, क्योंकि दोनों साइड का है, तो आंसर आ जाएगा 32. ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर के लगाएंगे तो कितने हो गए, 8 और 8 16 8 8 16 8 8 16, मतलब कुल मिला के 32. अक्कल दाढ़ आराम से आती है. अगर आपकी उम्र 18 साल है या 17 साल है तो अभी आपको थर्ड मोलार नहीं आया है. अगर किसी ने पूछा आप अपना फॉर्मूला बताइए, 18 साल के हैं आप, 17 साल के हैं आप, अपना फॉर्मूला बताइए, तो आपका खुद का फॉर्मूला आएगा 2 1 2 2, क्योंकि जितने दांत है उतने ही लिखना पड़ेगा ना, 2 1 2 2 रहेगा आपका. क्योंकि आपको अक्कल दांत अभी तक नहीं आए, मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कुल मिला के आपके पास अभी सिर्फ 28 दांत है. मेरी उम्र के हिसाब से मुझे चारों भी अक्कल दांत आ चुके हैं, तो मेरे पास 32 दांत है, मेरे पास 32 ही है, लेकिन तुम्हारे पास 28 ही है. ठीक है, और जिनके पास दूध के दांत है तो उनके पास तो 20 ही दांत थे बेटा. तो यहां तक याद रख सकते हैं बच्चों. चलिए ये तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको बाद में हम देखेंगे डिटेल में. फिलहाल तो आंसर क्या आ चुका है सर हमारे पास, 2 1 2 3 2 1 2 3. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया डेंटल फॉर्मूला. चल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीवर से कनेक्टेड है. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मालूम है सर, एसोसिएटेड विथ वेरियस फंक्शन. चूज विच इज नॉट करेक्ट
फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ऐसा फंक्शन ढूंढो जो लीवर को मैच नहीं करता है, लीवर का फंक्शन नहीं है, ऐसा फंक्शन ढूंढो। तो लीवर एक बहुत बड़ा है, ग्लैंड है, इधर होता है राइट साइड में बॉडी के, मेटाबॉलिक ऑर्गन बोलते हैं, और एक्चुअली इसके बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं। तो कौन सा नहीं है ढूंढना पड़ेगा सर, मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फंक्शन है सर, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फंक्शन है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट ये भी फंक्शन है, क्योंकि बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो फैट डाइजेशन मदद करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस कर रहा है, ये भी फंक्शन है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रीन, ये फंक्शन नहीं है उसका, दिस इज नॉट द फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो गैस्ट्रीन का स्पेलिंग यहाँ गलत हुआ है, गैस्ट्रीन का स्पेलिंग ये होता है, और गैस्ट्रीन कौन बनाता है मैं आपको बता दूं, दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय जी सेल्स, और ये जी सेल्स कहां होते हैं, स्टमक में। तो स्टमक का जब आप कट सेक्शन लोगे तो उसके अंदर जी सेल्स मिलते हैं, जी सेल्स बोलते हैं गैस्ट्रीन सेल्स, विच सिक्रीट द गैस्ट्रीन हार्मोन। सर ये हार्मोन करता क्या है, ये हार्मोन आपके स्टमक में एसिड को सिक्रीट करने में मदद करता है, एसिड HCl उसके सिक्रीशन में क्या करता है बच्चों, मदद करता है, ठीक है। तो सर यहां पर अगर मैं देखता हूं तो आंसर क्या आएगा, हमको नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो ये दिस इज नॉट करेक्ट कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रीन इज डन बाय लीवर, नो इट इज डन बाय स्टमक, बाकी सब काम लीवर कर रहा है। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, द लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, फटाफट हम लोग आ गए यहां तक। मार्क द राइट स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट को हाईलाइट करेंगे अमंग द फॉलोइंग, कि भैया चारों में सही कौन सा है। ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, करेक्ट, किसके पीछे भी अगर जेन लग गया तो वो इनएक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा, करेक्ट। ट्रिप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, गलत। ट्रिप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय, द रियल आंसर इज पैनक्रियास। ट्रिप्सिनोजेन एक्चुअली कौन बनाता है, पैनक्रियास। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत, और हमको ढूंढना था राइट, तो पहला वाला ही राइट था, ये वाला गलत हो गया। एंटेरोकाइनेस इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, एंटेरोकाइनेस एक्चुअली एंजाइम है एंड इट इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल म्यूकोसा बनाता है इसे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन, नहीं, बाइल में कोई भी एंजाइम, ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम, तो एंजाइम नहीं होता है, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, मैंने लिखा के दिया था, कोई भी प्रकार का एंजाइम इसमें नहीं रहेगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। सो फाइनली आंसर क्या हो गया, ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम एंड इट इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, और ट्रिप्सिनोजेन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, किसे मदद करता है बच्चों, प्रोटीन डाइजेशन में। ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म यहां लिखे हुआ है ट्रिप्सिन, तो सर ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करेगा। चलिए बच्चों देखते ही देखते हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ डाइजेशन चैप्टर को फिनिश किया है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, आपको बढ़िया तरीके से आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं बेटा, और इसी तरह धीरे 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 हम एक एक चैप्टर के साथ मिलते जाएंगे। और याद रखना एक लव्य टेस्ट सीरीज में एनरोल करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, गूगल फॉर्म भर दीजिए और हम तुरंत ही आपको बैच में ऐड कर देंगे। वीकली एग्जाम्स ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन, और बेटा 24/7 डाउट सेशन थ्रू द चैट फीचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। चलिए बच्चों बहुत जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, मुलाकात होंगी हमारी बेटा, तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।